आरमिनइाजीम बसमीम अल्लाम होप यू गाइज आर वेल ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कैप्सूल पैटर्न अब uh, कैप्सूलोर पैटर्न जो है वो कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा ईज़ी टॉपिक है एंड इन शह वस टॉपिक इन जस्ट थ्री पॉइंट्स यू यू गाइज जस्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देट इसल ये बहुत ईज़ी टॉपिक है कैप्सुलर पैटर्न जो है वो हमारे पास होता क्या है सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन um, देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग द इंटायर जोइन कैप्सूल कॉज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ मोशन ऑफ द जोइन अच्छा अब हम इसको जो है वो समझेंगे कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो ये दो बॉन्स हैं एक ये बोन है और एक ये बोन है अब इसके दरमियान जो है जब दो बॉन्स आपस में मिलती हैं या कोई भी एक जॉइंट बनता है तो उस जॉइंट में एक कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है ठीक है वी ऑल नो दैट अब ये जो कैप्सूल होता है ऑब्वियसली ये जो है ये मूवमेंट को जो है बहुत सारी मूवमेंट को जो है वो परफॉर्म भी करवा रहा होता है ठीक है इसके थ्रू जो है वो ये जो कैप्सूल होता है मतलब इसके थ्रू जो है वो काफ़ी मूवमेंट्स परफॉर्म भी हो रही होती हैं अब ये जो कैप्सूल होता है वो एक एक पर्टिकुलर फैशन में और एक पर्टिकुलर कह लें कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या पैटर्न में जो है वो मूवमेंट्स को परफॉर्म करवा रहा होता है ठीक है अब अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉइंट है मैं मैं एक uh, एक जनरल से एग्जांपल दे रही हूँ इंशाल्लाह विल डिस्कस द एग्जांपल्स इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अच्छा अब मैं एक जो है वो एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ उसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि जैसे एक जॉइंट है हमारे पास ठीक है अब ये जो कैप्सूला पैटर्न है ये जो कैप्सूल है उसकी उस जॉइंट की जो है वो ए बिडक्शन करवा रहा है मीडिया रोटेशन करवा रहा है और फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्लैक्जन करवा रहा है ठीक है पहले जो है वो फ्लैक्जन करवा रहा है फिर उसके बाद जो है वो एफडक्शन uh, करवा रहा है ठीक है और फिर एक मतलब एक ग्रेटर डिग्री में फ्लैक्जन करवा रहा है फिर उससे कम ज़रा ए बीडक्शन करवा रहा है फिर उससे कम ज़रा इंटर्नल रोटेशन करवा, करवा रहा है ठीक है ये तीनों मूवमेंट्स वो परफॉर्म करवा रहा है अच्छा अब क्या होगा कि ये इसका एक पैटर्न है ठीक है हर जॉइ अच्छा एक, एक बार एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हर जॉइंट का एक अलग और एक यूनिक जो है और एक पर्टिकुलर जो है वो एक फैशन होता है जॉइंट्स का ठीक सॉरी कैप्सूल का जो एक पैटर्न होता है मतलब अगर नी की जो है वो ए, एक नी का फॉर एग्जांपल कैप्सूला पैटर्न फॉर एग्जांपल सॉरी हिप जॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो उसका जो है वो कैप्सूला पैटर्न जो है वो हमारे पास ए बीडक्शन है मीडिया रोटेशन है ठीक है और इसके अलावा फ्लैक्जन uh, है ठीक है फ्लैक्जन ए बीडक्शन और मीडिया रोटेशन अब इसके uh, इसके अलावा अगर मैं जो है वो किसी और uh, जो है वो जॉइन uh, की बात करूँ जैसे ग्लोन ह्यूमरल है तो उसका कैप्सूला पैटर्न इंटायरली डिफरेंट होगा उसका क्या होगा उसका लेटर रोटेशन होगी ए बिडक्शन होगी मीडिया रोटेशन होगी इस तरह तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि डिफरेंट जॉइंट्स हैव डिफरेंट कैप्सुलर पैटर्न ये चीज़ें जो ये चीज़ जो है वो याद रखनी है कि अच्छा अब जो ऊपर वाली जो एग्जाम्पल है हम उसको सॉरी डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग द इंटायर जॉइंट कैप्सूल का था पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन के अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कैप्सूल जो है उस जॉइंट का कैप्सूल जो है वो एफेक्टेड हुआ है तो उस जो जो जॉइंट जो है उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो है वो मूवमेंट्स अफेक्टेड होंगी यहाँ तक ये यह बात समझ आ गई अब हम एग्जांपल्स देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास नी इंजरी हुई है अब नी इंजरी के अंदर क्या है कि हमारे पास जो कैप्सुलर पैटर्न है वो ये बता रहा है आ, आ, कि उसके अंदर फ्लैक्जन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंशन ठीक है ये इसका कैप्सुलर पैटर्न है फॉर एग्जांपल नी का ठीक है अच्छा अब जो है वो आपके पास एक पेशेंट आता है ठीक है फॉर एग्जांपल उसको नी की इंजरी हुई है सही है अब वो क्या करता है वो आपको ये बताएगा कि भाई मुझसे जो है ना मुझे फ़्लैक्जन करने में ज़रा मसला हो रहा है एक्स मतलब एक्सटेंशन तो मैं कर रहा हूँ फ्लैक्जन करने में मसला और सही so, है yeah. तो आप जो है ये देख कर ही समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब है इसका कैप्सूल अफेक्टेड हुआ है किस तरह अफेक्टेड है उसका कैप्सूल कि आपको पता है कि कैप्सूला पैटर्न इसका क्या है कि अगर कैप्सूल अफेक्टेड होगा नी का तो हमें पता है उसका कैप्सूला पैटर्न क्या है कि फ्लैक्शन ज़्यादा अफेक्टेड होगी एज कम्पेयर टू एक्सटेंशन तो हमें पता चल गया कि अच्छा इसका कैप्सूल अफेक्टेड है अच्छा अब इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास और वो कह रहा है कि अच्छा मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा ये बताएं आपको ज़रा फ्लैक्शन करने में मसला होता है तो वो कहेंगे नहीं नहीं फ्लैक्शन में तो मसला नहीं होता जो कि एक्सटेंशन तो हाँ उसमें ज़्यादा मसला हो रहा है क्या इस तरह का कोई भी कि उसके अंदर आपको ये अगर पता चल जाए कि नहीं नहीं ये तो कैप्सुलर पैटर्न नहीं है तो इसका मतलब है कैप्सूल को हटा के और कोई इंजरी होगी मतलब और कोई स्ट्रक्चर जो है वो इंजर्ड होगा एज़ कंपेयर टू इंस्टेड ऑफ़ कैप्सूल कैप्सूल का अपना एक अलग पैटर्न है उस पैटर्न को देख के जब आप एक एक पेशेंट आएगा आपके पास वो कह रहा है कि भाई मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल शोल्डर शोल्डर को जो है वो उठाने में ज़रा मसला हो रहा है तो आप जब उसकी पैसिव जो है वो मोशन करवाएंगे और जो है वो आप उसको देखेंगे तो उसमें जो है वो आपको फ़ौर ही पता लग जाएगा कि आप जो है वो उसको एक एक स्पेसिफिक जो उसका कैप्सूला पैटर्न है उसके अंदर आप जो है वो उसको अम, टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो है ये इस इस तरह का हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसका कैप्सूल इसका जो कैप्सूल है वो इंजर्ड है क्योंकि पैटर्न सेम वही वाला आ रहा है जिस जिस पैटर्न में मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए वही वही जो है वो पैटर्न आ रहा है इसका मतलब है इसका कैप्सूल अफेक्टेड है डन यहाँ तक बात समझ आ गई ओके सो नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स दी एग्जाम्पल्स ओके सो हे वी हैव सम एग्ज़ैम्पल्स अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आती है कौन से जॉइंट की एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास आ रही है सर्वाइकल स्पाइन की अब ये इसके सामने ये है इसका कैप्सुलर पैटर्न सर्वाइकल स्पाइन का ये ग्रैनो ह्यूमरल जॉइंट है इसके सामने इसका कैप्सुलर पैटर्न और यू हैव हाँ टू तो रिमेंबर सही ऑल ऑफ द कैप्सुलर पैटर्न ठीक है अच्छा अब सर्वाइकल स्पाइन आ रही है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन में ये हमने किस तरह लिखा हुआ है uh, ये और, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है फ्रॉम द मोस्ट लिमिटेड टू द लीस्ट लिमिटेड अब हमारे पास क्या मतलब है कि सर्वाइकल स्पाइन में हमारे पास जो मोस्ट लिमिटेड है वो है हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन ठीक है लेटरल फ्लेक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो लिमिटेड होगी वन लाइम फोकस ओके अच्छा लैटरल uh, फ्लेक्सन जो है वो सबसे ज़्यादा लिमिटेड है फिर उसके बाद रोटेशन लिमिटेड होगी मतलब जितनी ज़्यादा लैटरल फ्लेक्सन लिमिटेड है उससे ज़रा कम रोटेशन लिमिटेड होगी फिर उसके बाद जितनी रोटेशन लिमिटेड है उससे ज़्यादा कम उससे थोड़ी कम एक्सटेंशन लिमिटेड होगी लिमिटेड ये सारी मूवमेंट्स हैं लेकिन ये ऑर्डर में प्लेस्ड है इसको समझ लें कि जैसे इसको हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह हम वो करते हैं ना सीक्वेंस में जो है वो करते हैं तो ये सेम वही वाली चीज़ है कि लेटरल फ्लेक्शन ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है सर्वाइकल स्पाइन का तो वो बोलेगा कि यार मुझे ना गर्दन जो है वो मैं मुझे जो है ना गर्दन साइड में मोड़ने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है रोटेशन में तो चलो थोड़ा पेन कम हो रहा है हो रहा है लेकिन कम हो रहा है हाँ मुझे साइड में गर्दन मोड़ने में ज़्यादा मसला अच्छा रोटेशन की जब बात आएगी तो फिर उसके बाद जब वो रोटेशन की बात आ गई अब रोटेशन में भी उसको पेन हो रहा था फिर उसके बाद जब हम उसकी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और हम उसे पूछेंगे पेन हो रहा है तो वो बोलेगा कि हाँ पेन हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना मुझे रोटेशन में पेन हो रहा था यहाँ तक बात समझ आ गई आपको अगर नहीं आई है तो यू कैन एस्क इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो अच्छा फिर गेनो ह्यूमरल जॉइंट आता है इसमें भी हमने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लें कि इस तरह की है फ्रॉम द फ्रॉम द मोस्ट लिमिटेड टू द लीस्ट लिमिटेड कि लेटर फ्लैक् लेटर, लेटर रोटेशन सबसे ज़्यादा लिमिटेड फिर उसके बाद ए बी डक्शन फिर उसके बाद मीडियल रोटेशन जितनी ज़्यादा लेटर रोटेशन लिमिटेड होगी उससे कम ए बी डक्शन और जितनी ए बीडक्शन लिमिटेड होगी उससे कम मीडियल रोटेशन ओके सो हियर आर द एग्जाम्पल्स ठीक है अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक दिस स्क्रीन शॉट एज वेल ये वाली जो है वो सारी एग्जाम्पल्स हैं ओके लेट मी टर्न द पेज ओके सो दिस इज़ द थ्रैसिक स्पाइन अच्छा थ्रैसिक और लम्बर स्पाइन दोनों सेम है तो आप जो है वो उसको याद रख सकते हैं इतना कोई Uh, मतलब मसला नहीं है इसके अलावा जो हमारे पास नी जॉइंट है इसके अंदर भी देख लें कि फ्लैक्जन ज़्यादा लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंशन अच्छा इसके अलावा हमने uh, जो एक्सटेंशन और फ्लैक्जन जो अच्छा रिलेट करके अगर याद करेंगे ना कैप्सूला पैटर्न तो याद हो जाएंगे जैसे थ्रासिक स्पाइन और लंबर स्पाइन का सेम है हिप जॉइंट का थोड़ा डिफरेंट है हिप जॉइंट और ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट का थोड़ा अलग अलग याद कर लें सही थ्रैसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन का दोनों सेम ही है नी की जो फ्लैक्जन एक्सटें नी की जो है वो फ्लैक्शन एक्सटेंशन है इसके अलावा हमने और भी कहीं पढ़ा कि अनु ह्यूमरल ज्वाइंट वो जो है उसकी भी फ्लैक्शन एक्सटेंशन जो है वो लिमिटेड है एक मिनट ये देखें अल्लो ह्यूमरल जॉइंट ठीक है इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास रेडियो रेडियो ह्यूमरल जॉइंट हो गया इसकी मतलब ये सारे कैप्सुलर पैटर्न जो है वो आप लोग को याद करना है ठीक है और क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप ये जो है वो कैप्सूला पैटर्न समझ जाते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इन शाली इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस कि आप जो है वो समझ पाएंगे कि अच्छा इस बंदे का ये कैप्सूला पैटर्न जो है वो आ, मतलब अगर इस बंदे की इस इस पैटर्न में मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो रही हैं कि पहले लेटर रोटेशन फिर एवीडक्शन फिर मीडिया रोटेशन फॉर एग्जाम्पल इन द लेनो ह्यूमरल ज्वाइन तो फिर आप समझ जाएंगे अच्छा फिर इस, इसका मतलब है कि इसका कैप्सूल जो है वो अफेक्टेड है इंस्टेड ऑफ ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स विद इन द जॉइंट्स ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैप्सुल पैटर्न आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा और आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क इन द कामेंट्स बिलो और इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज